शिवपाल को कमल संदेश। जी हाँ, शिवपाल यादव पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं। वजह है समाजवादी परिवार के भीतर क्लाइमेक्स के करीब पहुंचता महाभारत। शिवपाल यादव तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सियासी तौर पर प्रसपा के अध्यक्ष। वे अब तक समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी दल के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी आने वाले कल में भूमिका बदल जाए तो किसी को हैरानी भी नहीं होगी। एक दिन पहले उन्होंने भाजपा के आला नेताओं को ट्विटर पर फॉलो किया था, उसके बाद से अटकलें भी आसमान पर पहुंच गई थी। और इसी बीच भाजपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधी हरिओम यादव ने शिवपाल को सीधा न्योता दे डाला है। उन्होंने कहा है कि आइए हमारे साथ आइए और मोदी योगी के हाथ को मजबूत करिए। यानी शिवपाल को भाजपा की तरफ से मिल गया है कमल संदेश। साफ कह दिया गया है, पधारो मारे देश। शिवपाल को भाजपा की तरफ से कमल संदेश। सैफई के महाभारत में भाजपा का हरिओम दाव। माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। समाजवादी परिवार में महाभारत के बीच शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि शिवपाल ने भाजपा से करीबी बढ़ने का इशारा भर दिया है। अभी बड़ी घोषणा होनी बाकी है। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधी हरिओम यादव ने शिवपाल को सीधे सीधे भाजपा में आने का न्योता दे डाला है। तो हमारा सुझाव है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद किया है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद किया है और मोहर भी लगा दी है 22 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं जब जनता पसंद कर रही है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। सुना आपने, शिवपाल सिंह यादव को हरिओम यादव बिना लाग लपेट भाजपा में आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि सैफई में एक शकुनी अखिलेश के साथ मिलकर लगातार शिवपाल सिंह यादव का अपमान कर रहे हैं और अब शिवपाल को ये सब नहीं झेलना चाहिए। इसके बड़े प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और प्रदेश की जनता भी उनका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में बहुत अपमान झेल लिया है और सैफई का एक शकुनी और अखिलेश जी मिलकर उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं और ये दोनों पार्टी को खत्म किए दे रहे हैं। पार्टी समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पर। भाजपा नेता हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी लगते हैं। हरिओम यादव के भाई राम प्रकाश नेहरू की बेटी मृदुला यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर यादव से हुई है। मृदुला सैफई की ब्लॉक प्रमुख और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की माँ है। समाजवादी परिवार के भीतर अब अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की नाराजगी किसी से छिपी नहीं रही। 2 अप्रैल को शिवपाल सिंह यादव ने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फॉलो किया था। इसके साथ ही शिवपाल के बाद दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात भी चर्चा में रही। इस माहौल में शिवपाल को लेकर भाजपा की तरफ से जताई गई ये हमदर्दी और उन्हें पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता साफ तौर पर कई बड़े संकेत देता है। माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें, इसी में प्रदेश की जनता का हित सुरक्षित है। अब देखना यह है कि शिवपाल पहले की तरह ही अभी खामोशी कायम रखते हैं या अगले कदम को लेकर फिर बिना कुछ कहे कोई नया इशारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।